सुल्तान 2 की कहानी में एंटरटेनमेंट की तलाश करने वाली ऑडियंस के लिए खुशखबरी है। सुनने में आया है कि इस बार फिल्म में सलमान खान 2 से 3 एंटरटेनिंग गानों पर परफॉर्म करेंगे। पिछली बार जंग घूमिया और 440 वॉन्ट जैसे गाने खूब हिट हुए थे। सुल्तान 2 के मेकर्स जानते हैं कि वो अपने फिल्म को क्योंकि रियलिस्टिक स्पोर्ट्स फिक्शन बनाना चाहते हैं, इसी कारण वो इस फिल्म में 2 से 3 इंस्पिरेशनल गाने ऐड करवाएंगे, जिसमें लीड किरदार की जर्नी, उसके स्ट्रगल्स और उसकी जीत दिखाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रोमांटिक और इमोशनल साइड भी ऐड करवाया जाएगा। इससे लीड किरदार के बैकग्राउंड और उसकी पर्सनैलिटी खुलकर सामने आएगी। वैसे तो प्रीक्वल में हम सुल्तान अली खान के किरदार और उसके बैकग्राउंड स्टोरी को जान चुके हैं, हालांकि इस बार सुल्तान की बेटी का भी एक एंगल फिल्म में शामिल होना है। ऐसे में उन दोनों ही किरदारों को लीड माना जाएगा और दोनों के ही बैकग्राउंड स्टोरी पर फोकस किया जाएगा। सुल्तान 2 इस बार थिएटर्स के अलावा OTT पर भी रिलीज की जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। असल में फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास ने बताया कि वो अपनी फिल्मों की थीम्स और कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो आने वाले दिनों में डिजिटल कंटेंट जैसे कि वेब सीरीज बनाना चाहते हैं या फिर अपनी फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करना चाहते हैं। तो सुल्तान का अपकमिंग सीक्वल हमें थ्योरेटिकल रिलीज के बाद सीधे OTT पर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि YRF भी OTT पर अपनी फिल्मों को लाने का सोच रहा है और हो सकता है कि फिल्म Amazon Prime पर रिलीज हो, जिसके लिए 100 करोड़ की डीलिंग हो सकती है। सुल्तान फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में एक्शन ड्रामा पर बेस्ड होती है, जिनमें रोमांस और ह्यूमर का भी तड़का होता है। अली कहते हैं उन्हें अपनी फिल्मों के जेनर्स और थीम्स के साथ एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। सुल्तान के सीक्वल के लिए अली खुद को खास तरह से प्रिपेयर करने वाले हैं। अली ने कुछ हद तक अपने राइटिंग स्किल्स में चेंजेस लाने का भी सोचा है, जिससे वो सुल्तान को एक मसाला एंटरटेनमेंट के अलावा एक रियलिस्टिक स्पोर्ट्स फिल्म बना सके। सुल्तान 2 में इस बार रियल स्पोर्ट्स फिक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। एक स्पोर्ट्स फिक्शन फिल्म को ऐसे बनाया जाता है जिससे मेन किरदार की जर्नी, उसकी हार, उसकी जीत सबको एक ही जगह दिखाया जाता है। ज्यादातर स्पोर्ट्स फिक्शन फिक्शनल कैरेक्टर पर बेस्ड होती है, जैसा कि सुल्तान थी। हालांकि इस बार कम मसाला और इमोशंस और ड्रामा थोड़ा ज्यादा होगा। एंटागोनिस्ट को तगड़ा बनाया जाएगा, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स डेवलप किए जाएंगे ताकि ऑडियंस को किरदार का नेचर पता चल सके। आपका इन सब में क्या कहना है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।